विवाद इतना कुछ था नहीं जितना वो जाहिर है कि हाईलाइट हो गया और इतनी चीज़ें बढ़ गई आगे तक। बहुत से चैनल्स पे चला मास्टरमाइंड। तो अगर मुझे मास्टरमाइंड का एक मतलब उपाधि दे दी गई है तो मास्टरमाइंड इतना बेवकूफ़ कैसे है कि वो उस जगह पे कराएगा जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हैं। लखनऊ में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को आखिरकार सीजीएम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हलचल मची रही कि आखिर इस पूरे प्रकरण में कहानी पर्दे के पीछे की क्या है। इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं मुनव्वर राणा सामने आते हैं, तबरेज राणा को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश करती है, जमानत हो जाती है। मसला लगातार काफ़ी दिनों से चर्चा में है और सारी चीज़ें एक बाई एक परत खुलती जा रही हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा हैं। उनसे हम खुद पूछेंगे इस पूरे मसले की आखिर कहानी है क्या, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करती है, मुनव्वर राणा अपनी फैमिली की तरफ से बोलते हुए नज़र आते हैं कि गलत हुआ। आखिर पूरा मसला है क्या, हम खुद उनसे बात करते हैं। तबरेज जी, लगातार आपसे काफ़ी दिनों से एक सीन चल रहा है जिसमें आपके परिवार को लेकर एक विवाद होता है, उसके बाद आपको जेल जाना पड़ता है या कोर्ट में पेश होना पड़ता है, फिर आपकी तरफ से भी वक्तव्य आते हैं, लगातार ये सब चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो मुझे ये फाइनली बताइए कि जिस तरीके से आपके परिवार से विवाद है, आखिर वो पहली बात विवाद क्या है, ठीक है, दूसरा क्या ये शुरुआत कैसे हुई आपसे? नहीं सर, बेसिकली विवाद इतना कुछ था नहीं जितना वो जाहिर है कि हाईलाइट हो गया और इतनी चीज़ें बढ़ गई आगे तक। तो अब तो खैर मामला देखिए ये कोर्ट में है, तो अब तो ये अदालत से ही तय हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं कुछ कहूँ सामने वाला पक्ष कुछ और रखे अपना तो वो मुनासिब नहीं होगा। आपके ऊपर जमीन कब्जा को लेकर आरोप लगा है कि आपने अपने चाचा की जमीन को कब्जा कर लिया है, क्या कहेंगे आगे? नहीं सर, ये तो मतलब मैं तो खुद जाहिर है कि 15-16 साल बाद मैं रायबरेली गया था, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं था वहाँ क्या है कैसे है। तो कब्ज़ा तो वहाँ होता है जहाँ आप खुद रह रहे हों। मैं रह रहा हूँ लखनऊ में और टेम्प्रेरी कब्ज़ा मैं कैसे कर लूँगा? और टेम्प्रेरी कब्ज़ा अगर कर रहा हूँ तो वो कब्ज़ा नहीं कहा जाएगा। उल्टा जो मेरा मेरे फादर का बनाया हुआ जो घर था वो हमने मतलब मेरे फादर ने चाचा को दिया हुआ था। लेकिन ये सब बहुत पर्सनल बातें हैं, इनको तो बाहर करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। जो भी नाइंसाफी हैं अब वो कोर्ट से हो जाएगा तो मैं भी मुतमईन हो जाऊंगा, वो भी हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि एक पेट्रोल पंप पे जो इंसिडेंट होता है जिसमें आपके ऊपर आरोप है कि आपने अपने ऊपर खुद गोली चलवाई एक हमलावर के द्वारा, जिसके क्रम में पहले आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 302 हुआ, 302 होने के बाद जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको ये पता चलता है कि आपने खुद अपने ऊपर ही गोली चलवाई, और जिसके अवैज में आपके हमलावर ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ आपने उनको हायर किया था आपके गोली चलवाने के लिए, इस विवाद को निपटाने के लिए। आप क्या कहेंगे उस पेट्रोल पंप की घटना को लेकर? सर मतलब विवाद को निपटाने के लिए, लेकिन विवाद निपटा नहीं और बढ़ गया। अच्छा, मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा कि अपनी ही ज़मीन की वैल्यू कम करूं उसको डिस्प्यूटेड बना के? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा, अच्छा जाहिर है कि बहुत से चैनल्स पे चला मास्टरमाइंड। तो अगर मुझे मास्टरमाइंड का एक मतलब उपाधि दे दी गई है तो मास्टरमाइंड इतना बेवकूफ़ कैसे है कि वो उस जगह पे कराएगा जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हैं? या तो मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ, अगर हूँ तो ये मेरा प्लान नहीं है कि मैं ऐसा बेवकूफ़ी का कोई काम करूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी ही ज़मीन की वैल्यू ज़ीरो कर लूँ, डिस्प्यूटेड लैंड कोई नहीं खरीदता। अगर मुझ में इतनी ज़्यादा वो थी कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईगर था कि मुझे ज़मीन मिल जाए, मैं बेच दूँ ये वो, तो मैं ये नहीं करता कि आज वो ज़मीन बिल्कुल बंद है, सब कुछ लॉक्ड है। तो अगर मेरी निगाह में ज़मीन की वैल्यू या पैसे ही सब कुछ होता तो ये काम तो मैं नहीं कर सकता था। नहीं तो आपने अपने ऊपर पेट्रोल पंप पे हमला करवाया ये पुलिस कह रही है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि पुलिस का मामला तो ये है कि अब वो बयान में तो कुछ भी करवा सकती है, अपने ऊपर हमला किया वो तो ये भी कहलवा सकती थी कि संसद भवन पे भी मैंने हमला करवाया था। तो ये तो इट्स ऑल अप टू पुलिस। अब अगर आपको पकड़ लिया है और अच्छे से खातिर हो रही है तो भाई वो जो कहेंगे बोलना पड़ेगा। अच्छा, ये आरोप था कि आप सीसीटीवी में हमलावरों के साथ में प्लानिंग करते हुए नजर आए थे, उस सीसीटीवी में देखा गया था जिसको सबूत के तौर पे पुलिस ने मीडिया को भी दिखाया था। हाँ, वो बहुत दिलचस्प था ये कि मैं होटल में चेक इन कर रहा हूँ
और ये जो लोग हैं ये बैठे हुए थे, जिनको मुझे चाचा ही लोगों के जरिए मिलवाया गया, और ये लोग जो चाचा का बेटा है उसने मुझे इंट्रोडक्शन कराया इन लोगों से। तो अब मैं चेक इन कर रहा हूँ, वो लोग पीछे बैठे हैं और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। सर अब आप चैनल से हैं, एंकरिंग नहीं हो सकती अगर आपका फेस दूसरी तरफ है, तो प्लानिंग कैसे हो जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ एंकरिंग बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है, तो वेरी टफ जॉब, लेकिन ये दोनों ही काम मुश्किल हैं, प्लानिंग भी बहुत मुश्किल है। मैं चेक इन कर रहा हूँ, वो लोग पीछे बैठे हैं और ये कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज चल रही है, वो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर प्लानिंग करना था मुझे तो मैंने रूम बुक किया था, मैं रूम में करता, मैं रिसेप्शन पे ही प्लानिंग शुरू कर दी मैंने। तो ये कैसा मास्टरमाइंड है जो सीसीटीवी जहाँ इंस्टॉल होता है वहाँ पे करवाता है, रिसेप्शन पे प्लानिंग करता है इतना, मतलब ये तो बहुत, ये कैसा मास्टरमाइंड हो सकता है? ये बताइए, जो हमलावर था हालिम, जिसका नाम था, जिसको पुलिस ने एक्सपोज भी किया और जेल भी भेज दिया, आप उसको जानते थे इस बात की? तो आप करते हैं एक्सेप्टेशन करते हैं, लेकिन कैसे जानते थे? मतलब अगर जानते थे तो कहीं ना कहीं जो उनका साथ किया आपको। मैं बता रहा हूँ कि मेरी उससे जो उसका कांटेक्ट नंबर तक मेरे पास नहीं था, मेरे पास मोबाइल में आज भी वो चैट है, मैंने डिलीट नहीं करी। फिर जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उससे 1-2 घंटे पहले मैंने वो नंबर लिया, और जो उसके साथ के लोग थे जिनसे मेरा पहले से टच था 3-4 महीने पहले से, तो उनसे मैंने कहा कि वो जो पेपर्स की, ज़मीन के पेपर्स की सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है, तो उसके लिए वो तो कहने लगे मैं उसको भेज देता हूँ, हलीम जो भी नाम, हलीम नाम था, किसने कहा आपसे ये बात? ये जो और लोग थे जितने लड़के उनकी टीम में सब, मैं सबको तो नाम से भी नहीं जानता क्योंकि बहुत नई नई इनसे मेरी, आपकी मुलाकात कैसे हुई हलीम से? सबसे पहले आप कैसे मिले, किसके जरिए से मिले? ये पूरी टीम थी जिसमें वो था लड़का था सौरभ था और रोहित था, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि अब जाहिर है कि मैं मतलब मिस्टर मुनव्वर राना साहब का बेटा हूँ, तो जब भी मैं रायबरेली अगर गया तो बहुत से इस तरह के लोग मुझसे आके मिलते थे जिन्हें मैं नहीं भी जानता था। तो अब मुझे जो चाचा का बेटा है उसने मिलवाया था, क्या नाम है उसका? मोहसिन, उसने मिलवाया था, वो एक वहाँ पे होटल है जो जहाँ पे ये हुआ था उसी से थोड़ी दूर नरेश होटल पे, उसने मुझे मिलवाया था कि भैया ये लोग हैं, ये लोग यहीं रायबरेली में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप आए हैं लखनऊ से, आपको उतना कुछ आइडिया नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का, तो दे हेल्प यू आउट। यानी कि आपका मानना है कि जो हमलावर थे उनको आपके चाचा के बेटे मोहसिन ने ही मिलवाया था? और बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मतलब मैं उन लोगों से मेरा कोई टच नहीं था, मैं जानता भी नहीं था, मुझे लगभग 16 साल हो गए थे रायबरेली छोड़े हुए, कोई मेरा आज तक कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रह गया था, तो आई वॉज जस्ट लाइक अ बिल्कुल नया कोई शहर हो मेरे लिए, 16 साल एक बहुत लंबा एक गैप होता है। तो मुझे इन लोगों ने इसने मिलवाया और फिर ये लोग मेरे करीब आए, होटल में चेक इन किया, मैं सबको बाय नेम भी नहीं जानता था, वो आते थे भैया हाय, भैया नमस्ते, भैया ये वो, ठीक है। अच्छा, आपके ऊपर 302 का पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तीन सौ ठीक इस सात 307 का, माफ कीजिएगा, दर्ज किया। तो 307 के मुकदमे में आपको क्या लगा कि आपने कैसे क्या आपके ऊपर वो बात साबित हुई कि नहीं हुई? नहीं, वो बिल्कुल वो बेसलेस था, वो तो हैट्स ऑफ टू हाई कोर्ट, उन्होंने जाहिर है कि फौरन हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, 307 बनती ही नहीं है, और जब क्वैशिंग हो गई, हालांकि ये बात मैं क्लेरिफिकेशन तभी देता जब सब लोग चला रहे थे न्यूज़ पे कि वो फरार हूँ, कल भी मैंने देखा कुछ न्यूज़ चैनल चला रहे थे कि 2 महीने से फरार थे, तो सर अरेस्टिंग थी नहीं, मुझ पर 211 है अभी तक और 120 भी है जो कि वो डिफेंड करूँगा मैं ऑब्वियसली, तो उसमें अरेस्टिंग है नहीं, तो अब इससे कहा जा रहा था कि नहीं नहीं मैं भाग रहा हूँ, जब इसमें अरेस्टिंग नहीं है तो मैं भाग कैसे रहा, तो कोर्ट ने हटा दिया, 307 हट गई, और अब ये 120 बी वाले पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती थी, बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन उसके बाद भी घर से आए उठा के ले गए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बेलेबल ऑफेंस के लिए, यानी कि वो लेकर आई थी, अपने पास संबंध था, उसमें भी लिखा हुआ था, तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्यों आपके साथ ही ऐसा क्यों है? सर ये इसमें बहुत दिलचस्प बात एक ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब की जो हुकूमत है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन मेरा जब आर्म्स लाइसेंस बना था 2012 में, तो मेरी जो रायबरेली से रिपोर्ट लग के आई थी उसमें मेंशन था कि इन्होंने 1986 1986 में इन्होंने दंगा कराया था और मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब, तो ये हुआ कि मैं शायद अपनी मदर के पेट में था और मैंने पेट में रहते दंगा करा दिया, तो ये तो पुलिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और अब जो ये हुआ है या ये जो चल रहा है कि मैंने ये सब किया या जो भी मैं भाग रहा हूँ, तो ये जाहिर है कि मेरे फादर वो वसीम साहब का शेर है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है, तो
तो वो जिंदा आदमी हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, कोई भी हुकूमत हो, इससे पहले भी जो हुकूमत रही उसको भी क्रिटिसाइज किया, तो अब उन्होंने जो वो खिलाफ बोलते हैं तो उसका नतीजा ये है कि पुलिस मुझे बेलेबल ऑफेंस में उठा के ले जाती। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने आपको जिस तरीके से रात में उठाया उसके बाद ले गई, तो आपको लग रहा है कि पुलिस का इंटेंशन क्या है, क्या आगे आप शिकायत कर सकते हैं? सर मैंने बताया आपको कि मेरे पास आई हैव दैट हाई कोर्ट का मेरे पास पूरा जजमेंट है 307 लगा दी, जो कि बनती ही नहीं थी, वॉज कम्प्लीटली बेसलेस, वो हाई कोर्ट ने हटा दिया। अब 120 बी और 211 में मुझे अरेस्ट कर लिया, फिर हाई कोर्ट ने मुझे बेल दे दी, तो अब हो सकता है कि फिर कोई नई धारा लगा दें। अच्छा एक बात, आपने जैसे कहा कि जो क्रिटिसाइज करते रहे आपके फादर और आपसे, एक चीज़ ये भी है कि अभी चाहे वो तालिबान का मसला रहा, उनके कुछ वक्तव्य आए थे, उससे पहले कुछ योगी जी को भी लेकर वक्तव्य आए थे, तो और अब आपका एक इशू चल ही रहा था, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बैलेंस यानी पैरलर जो इशूज आए उनसे कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर पड़ रहा है या चीज़ें वो हो रही गलत हो रही हैं? नहीं बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जैसे कि वो शायर आदमी हैं और जब वो बिल्कुल अपने मूड में होते हैं तो बहुत शायराना जब उनका मिजाज होता है, या वो जो वो तो कहते ही हैं कि फुटपाथ पर भी होगी महल की जबान में हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की जबान में, तो जो उनकी जो गज़ल की जबान है ये आम आदमी को समझ में नहीं आती। अब वो कहना कुछ चाह रहे हैं और जा कुछ और रहा है। और जैसे कि मैं ये अपना पर्सनल आपको बता दूँ कि ये तालिबान हो या कुछ भी हो, इनसे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं बेसिकली, हमसे ये बगल वाला पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त होता है, वो तो और ज़्यादा वाहियात कौम हो गई मेरे हिसाब से। जितने मुसलमान तालिबान में हैं या अब तक हुए हैं उससे ज़्यादा मुसलमान अभी मेरे मुल्क में हैं, तो मेरे लिए प्रायोरिटी ये है यहाँ के मुसलमान। अच्छा आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप असलहों का शौक़ रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा चाहे वो जैसे निशानेबाजी का इन सब चीज़ों का, तो आपके लिए बड़ा रूटीन चीज़ें हैं चाहे वो अपने ऊपर हमला करवाना या इस तरीके का, इसके बारे में कहते हैं? सर रूटीन चीज़ें नहीं कह सकते, गोली लग गई होती तो हमारे यहाँ पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक ही है लाइफ, ये तो चली गई होती। और दूसरी चीज़ कि अब वो आर्म्स जाहिर है कि वेपन जो है लाइसेंस जो है वो मुझे मेरा राइट है, या तो फिर सारे लाइसेंस ले लेने चाहिए या लाइसेंस से वेपन हटा के फिर इसको आप सब सरेंडर करा देना चाहिए। अब वेपन मेरे पास है और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये कह दिया गया कि मैं मतलब बिल्कुल एक हैबिचुअल ऑफेंडर हूँ या कुछ ऐसा, तो सर ये तो जायज़ नहीं है। अब अगर एक मेरे जैसा तबरेज़ राना अगर वेपन के साथ है तो बुरा लग रहा है, एक तबरेज़ अंसारी बिना वेपन के मॉब लिंचिंग में मार दिया गया तो वो बेहतर था। तो हम ये मान के चलें कि जिस तरीके से आपके ऊपर हमला हुआ हलीम के द्वारा यानी कि आरोपी था, इन सभी चीज़ों में ये क्या आप पुलिस की थ्योरी को पूरी तरीके से गलत साबित कर रहे हैं? ऑब्वियसली सर, जिस दिन केस होता है उसके नेक्स्ट डे ही पुलिस बता रही है मैंने सब सॉल्व कर लिया और इनामात दे दिए गए और सब हो गया, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा मुझ पे 307 लगा दी तो मैं सामने भी नहीं आ सकता था, तब तक तो 307 लगी हुई थी, वरना मैं तो खुद आप लोगों को ढूंढ रहा था। वो तो किसी उस्ताद शायर का शेर है ना कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, मैं तो खुद बहुत पहले सामने आना चाह रहा था, लेकिन वो ऐसी धारा लगा दी थी झूठ मूठ की वो 307 कि मजबूरन मुझे मेरे लॉयर ने कहा कि नहीं यू हैव टू बी केयरफुल। जब 307 हट गई, जुलाई में ही हट गई, मिड जुलाई में, फिर तो मैं खुद ही घर पे रह रहा था, और जब पुलिस मेरे घर आई थी तो मैं तो खुद 24/7 गया हुआ था। जब मैं लौट के आया तो पूरा मेरा अपार्टमेंट पूरा सब पूरा घेर लिया और मुझको ही अंदर नहीं जाने दिया था, इतनी पुलिस थी उस वक्त, मैंने इतनी पुलिस मैंने इससे पहले सिंघम मूवी में देखी थी, बस लाइफ कभी नहीं देखी। आपको क्या लग रहा है इन सारी चीज़ों के पीछे क्या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपके जो विपक्षी हैं यानी आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी हो सकते हैं, और पुलिस के कुछ लोग जो आपके व्यक्तित्व तो निकलते हैं जो चीज़ें निकलती हैं वो भी हैं? नहीं मैंने सर ये बात बहुत पहले भी कही थी कि उन लोगों का हृदय की, एक तो मेरी बहुत पर्सनल घर की चीज़ है, मैं उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकता। हाँ ये हो सकता है कि जिन लड़कों से मेरा टच हुआ वो लड़के सही नहीं थे, अब उनके दिल में मुझसे कहा गया कि वो तो आपके आस पास थे आपके बगल में थे, तो मैंने कहा बगल में तो पाकिस्तान भी है, शरारत नहीं करता, बदतमीजी नहीं करता, ये कहाँ लिखा है कि साथ वाले लोग धोखा नहीं देते? यानी उसने धोखा दिया वो किसी के कहने पे? बिल्कुल, अब ये तो चीज़ें, ये तो जाहिर है कोर्ट में है, अब ये चीज़ें निकल के आएंगी, इवन आई एम ईगरली वेटिंग।
अब आगे क्या आप सोचते हैं, किस तरीके से आप आगे की क्या, क्योंकि पुलिस लगातार आपके ऊपर हावी है, अरेस्टिंग हो रही है, चीज़ें परेशानी घर में। हाँ सर, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरी जो भांजी है उसका मोबाइल भी वो ले गए थे 20 जून को, उसकी पूरी फुटेज है। अगर आप कहें तो, अगर आप चला दें अपने टीवी पे तो चैनल पे, तो बड़ा बड़ी मेहरबानी होगी। और मेरा भी उन्होंने परसों मेरे दोनों मोबाइल, मेरा वॉलेट, मेरी वॉच, मेरी गाड़ी की चाबी सब उनके पास है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि DGP साहब से, ADG साहब से, कि वो चीज़ें भी मेरी वापस करा दें। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो ये तबरेज़ राणा है, साफ तौर से इनका मानना है कि जो पुलिस की थ्योरी इनके खिलाफ बनाई गई वो पूरी तरीके से झूठी है, गलत है। ये अपना कोर्ट केस में लड़ रहे हैं, यानी कोर्ट केस में लड़ चल रहा है अभी। कुछ साफ तौर से इनका ये मानना है कि जिस तरीके से पुलिस इनको प्रताड़ित कर रही है, ऐसे में कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से इनके फादर लगातार क्रिटिसाइज करते आए हैं जो सरकार को, चाहे इस सरकार को नहीं और भी सरकारें रही हैं, और उनके शायराना अंदाज को लोग गलत तरीके से लेने हैं। उनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही, कहीं ना कहीं प्रशासन इनके पीछे लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से इनको अरेस्ट किया जाए। ऐसे में इन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक की तबरेज़ के मुताबिक कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो पुलिस ने जानबूझ के की हैं और वो गलत की हैं। ये अब कोर्ट में मामला है पूरी तरीके से, लेकिन इस पिक्चर से साफ हो जा चुका है कि तबरेज अपने आप को पूरी तरीके से निर्दोष कह रहे हैं। ऐसे में ये कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि आखिर दोनों मामलों में पुलिस सही है या तबरेज। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, UP तक।